जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुबह में ही क्लासेस पर। आपकी डिमांड पे बहुत सारे कमेंट्स जो कंटिन्यू यही चल रहा था कि हमारी टॉपिक वाइज बेसिक से क्लास शुरू कर दो, तो आज वही क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगी आप सबके रिस्पॉन्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आपका जो मैथ का सिलेबस होने वाला है उसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो ये लगभग 15 टू 17 चैप्टर रहेंगे जो आपके मैथ के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सबको पता है मैथ के आपके टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन 15 क्वेश्चन में ये चैप्टर वाइज ये सारे चैप्टर हम YouTube पे करेंगे। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल आपका एक जीरो लेवल से और जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वहां तक ये सिलेबस हम कंप्लीट करवा के देंगे। इसमें रहेंगे आपके चैप्टर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसके बाद में वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद में रहेगा सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, एज रिलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड सैलरी, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी और एरिया एंड पैरामीटर और वॉल्यूम, ये सब रहेगा भाई। ठीक है, तो इसके बाद में जितने भी अपने चैप्टर करेंगे हम, ये सारे चैप्टर आपको बिल्कुल कंप्लीट वीडियो इनका देखने को मिल जाएगा और आपका कोई भी डाउट रहेगा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, जो पहला चैप्टर रहेगा अपना नंबर सिस्टम्स। ठीक है, नंबर सिस्टम की बात करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा कि हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो नंबर सिस्टम में होता क्या क्या है। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, सबको पता है हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो सारे बच्चे हैं वो कंटिन्यू आराम से फ्री माइंड होके कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। सबसे पहले नंबर की बात आती है तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये नंबर होते क्या है, कहां से इनकी स्टार्टिंग होती है। सबको पता है मैथ के अंदर जीरो से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये टोटल 10 नंबर रहते हैं भाई, और पूरे का पूरा मैथ इन्हीं 10 नंबर का खेल है ये, और ऑलमोस्ट सब बच्चों को इन 10 नंबर के बारे में पता है। अगर ये 10 नंबर जानते हो इसका मतलब आपको मैथ आता है, और ये 10 नंबर मेरे को पता है सबको आते होंगे। ठीक है, अब ये 10 नंबर कैसे क्या होते हैं ये देखिए, सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं तो ये काउंटिंग शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 और ये कभी खत्म नहीं होते हैं, कंटिन्यू चलते हैं, अनंत तक जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक बार हो सकता है 5-7 मिनट थोड़ा बोरिंग लगेगा कि ये नंबर तो हमें पता है, कुछ एक नए बच्चे हैं जिनको इन नंबर्स के बारे में नहीं पता है, तो सबके लिए जो बच्चे पुराने हैं हमारी क्लास कर चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा और जो नए बच्चे हैं उनको सीखने को मिल जाएगा। और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपका बेस है मैथ का, ये जो स्टार्टिंग हम बता रहे हैं ये पूरे मैथ में आपको काम आने वाली। अब जब एक से नंबर स्टार्ट होते हैं हमें पता लग गया ये नेचुरल नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्याएं होगी, और जब इनके साथ में जीरो भी आ जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंटिन्यू चलते जाएंगे, ये भी खत्म नहीं होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे होल नंबर्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। इनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, पूर्णांक बोलेंगे या पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे या पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे या पूर्णांक बोलेंगे, जल्दी बताओ, होल नंबर क्या बोलेंगे, पूर्णांक हो जाएंगे ये। ठीक है, जब इनके साथ में जीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, और जब एक से स्टार्ट होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। जब क्या होता है इनमें 0, 1, 2, -5, -3, -50, 40, 20, 10 मतलब सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर प्लस और माइनस के सब नंबर आ जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे उनको, उनको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे उनको। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर हो जाएंगे प्लस और माइनस के
तो वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। उसके बाद में जब नंबर आते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो इनको हम कौन से नंबर बोलेंगे, इनको बोलेंगे भाई इवन नंबर। इनको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। इनको सम संख्या कौन सी होगी, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद में जो नंबर बाकी रह गए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब है, ये कौन से नंबर हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे, जिनको क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या बोलेंगे जिनको। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, विषम संख्या बोलेंगे भाई। तो इवन नंबर और ऑड नंबर क्लियर है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सबसे जरूरी हमारे जो एग्जाम में आते हैं, वो आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है, कंपोजिट नंबर, और एक आता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई अभाज्य संख्या। अब हमें पता होना चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा नंबर आता है क्या, एक। तो आप एक बताइए कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है, भाज्य संख्या या अभाज्य है, दोनों में से कोई नहीं है। तो ये याद रखना है, एक की काउंटिंग ना तो भाज्य संख्या में होती है और ना ही अभाज्य संख्या में होती है। एक को हम क्या लेते हैं, एक को लेते हैं नेचुरल नंबर। एक की हमेशा काउंटिंग है वो किस में होती है, प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में इसकी काउंटिंग होती है। तो एक को ना तो हम कंपोजिट नंबर में लेते हैं और ना ही हम प्राइम नंबर में लेते हैं, क्लियर है ये बात। उसके बाद में हमारा नंबर आता है 2। अब 2 को बताना है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। अब सबसे पहले तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है और अभाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो नंबर 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो केवल एक से और अपने आप से डिवाइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब हमें देखना है 2 किससे डिवाइड होता है, एक से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। बहुत बार आर्मी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में नंबर आता है 3। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, 3। अब 3 देखिए कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखना, कई बार एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है, वो बोलता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तब तुम्हें पहले बताया था मैंने यहां पे, इवन नंबर और ऑड नंबर में क्लियर हो तुम, क्लियर हो ना, तब ये बताओ ये 2 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, और 3 क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यस। तो ये याद रखना है, कभी अगर सम और विषम डाल दे तो ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, 2 और 3 को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं डालता है, ना सम डालता है ना विषम डालता है, तो उस टाइम पे हम क्लियर है क्या हो जाएगा, 2। अगर ऑड नंबर पूछता है तो फिर क्या हो जाएगा, इतनी कहानी क्लियर है। उसके बाद में देखिए, 2 के बाद में हमें पता लग गया 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद में क्या आता है, 4। अब 4 देखिए किससे डिवाइड होता है, एक से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, मतलब 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो गया। तो ये क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर पूछते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है। जब पूछते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 2 को कर देते हैं, 2 इवन नंबर है और क्या है, प्राइम नंबर है। जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
इसके बाद में ये सीरीज है ये चलती जाएगी। जैसे अगर पांच को देखेंगे तो पांच किससे डिवाइड होता है, एक और पांच से, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर छह को देखेंगे तो एक से, दो से, तीन से, छह से, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे नंबर चलेंगे। क्लियर है बात? अब क्या करना है, तुम्हें देखना है कि भाई पेपर में जो पूछा जाता है कि एक से सौ तक, 1 to 100, एक से सौ तक अभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर कितने हैं। तो एक से सौ तक अभाज्य संख्या याद रखना है कितने हैं, 25। अगर बोलता है एक से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 15। और अगर बोलता है 50 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह याद रखना है। स्टडी करने का तरीका बताता हूं, एक अच्छा सा रजिस्टर लगाइए, उसमें हर रोज जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उनको सीक्वेंस से नोट करके चलिए। ठीक है, और जब तुम्हारा पेपर नजदीक आएगा तो उन सब क्वेश्चन का रिवीजन करना 100%, तुम्हें 70% सेम स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनमें शुरुआत होती है क्वेश्चन की, वो कैसे होती है, क्या क्वेश्चन आते हैं। ये था अपना पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, अब जो नंबर सिस्टम है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने कर लिया क्या, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, उसके बाद में होल नंबर, उसके बाद में इंटीजर्स, उसके बाद में इवन नंबर, उसके बाद में ओड नंबर। ठीक है, कुछ एक और है, रैशनल, इरेशनल, और उनके बारे में भी बताएंगे। तो हम देखिए इनके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये संख्या पद्धति का आज अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लगभग इसको 2 दिन में अपन खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, 2 दिन में आपके इसके 30 to 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसका पूरा बेसिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। द सम ऑफ टू नंबर इज 75 एंड द डिफरेंस इज 25, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल स्लो ऐसे बताऊंगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग बता दिया इसने यहां पे। कितनी संख्याएं हैं बताओ, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, और दोनों का योग कितना है। योग का मतलब क्या होता है, सम, उनका बेरिज, उनका जोड़, तो वो कितना है, 75। क्या तुम्हें उन संख्याओं का पता है, क्या संख्याओं का पता है, नहीं पता है। वो संख्या क्या, मान लो एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स प्लस वाई जोड़ हो गया ना, दो संख्याओं का, और वो जोड़ कितना है, 75। ये ऐसे लिख दो, बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना। जहां पे क्वेश्चन नॉर्मली बताने का होगा वहां पे नॉर्मल बता देंगे, और जहां पे शॉर्ट ट्रिक लगाना होगा वहां पे शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे। तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, आराम से बैठ के कंटिन्यू देखते रहिए, एकदम से क्लियर कर देंगे यहीं पे। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उनका अंतर, अंतर क्या होता है, यस डिफरेंस होता है, वो कितना है, एक्स माइनस वाई कितना है, 25। हमें क्या बताना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना। हमें क्या बतानी है, एक्स और वाई बतानी, दोनों की गुना। अब तुमने सुना होगा ये इक्वेशन 1 बनती है और ये इक्वेशन 2 बनती है। अभी ताजा तुमने 10वीं पास की होगी तो समीकरण के बारे में सुना होगा ना, इक्वेशन होती है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1, ऐसे रहता है ना। तो हमें इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली देख लेना है ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है, ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्लियर है ये इतनी बात। अब यहां पे देखिए ये एक्स और ये एक्स दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या रहता है, ये लिखते नहीं है, यहां पे इन दोनों के आगे क्या है, 1। जैसे कोई नंबर होता है 25, ये नॉर्मल भी नंबर, कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन इसके आगे हम ऐसे नहीं लिखते है ना, नहीं लिखते है ना, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है हमें कि ये किसका नंबर है, प्लस का। अगर ये हमें माइनस का करना होना तब हम ऐसे लिखेंगे ये 25 और फिर हम सिंबल यहां पे दिखाएंगे माइनस का। तो सेम ऐसे ही होता है, अगर यहां पे हमें 2 बनाना होना तो 2x लिखेंगे। अगर x लिखा है तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इनके आगे क्या है, 1 है इनके आगे,
ठीक है, इनके आगे क्या है, वन। अब हमें क्या करना है, x और x को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 2x। अब ये 75 और 25 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कैंसिल कर दो, किस पे कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया 50 आ गया, x बराबर क्या आ गया। अब ये देखिए यहां पे इसने दोनों का जोड़ कितना बताया था, अब 75 में से एक संख्या पता लग गई, क्या आ गई 50, तो दूसरी क्या हो जाएगी 25। सिंपल सी बात है ना, मान लो तुम्हारे पास में 50 रुपए हैं और कोई बोलते एक बच्चे के पास में 30 रुपए हैं, तो दूसरे के पास कितने हैं 20, दूसरे के पास 20 है ना। कोई बोलता है दो बच्चों के पास में 50 रुपए हैं और इनमें से एक के पास में 30 रुपए हैं, तो दूसरे के पास में कितने हैं 20 है। तो सेम यही दोनों का जोड़ कितना है 75, एक का पता लग गया 50, तो वाई दूसरी कितना हो जाएगा। अब इसमें टाइम लेना है कि भाई इसको रखना है दोनों को, फिर हमें एक समीकरण में रखना है, ये नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे कर देना है। ये हो गया 25। अब हमें पता लग गया, बताना क्या है, दोनों की गुना, x और y की गुना बतानी है ना, तो क्या हो जाएगा 50 गुना में 25, और 25 पाचा क्या हो जाएगा 125 से एक जीरो लग जाएगी, क्या हो जाएगा 1250। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। अब देखो एक तरीका तो हो गया ये, दूसरा तरीका जो तुम्हें शॉर्टकट जो एग्जाम में यूज करना है वो बता देता हूं, उसको माइंड में सेट कर लेना है। ये सब्जेक्टिव मेथड जो तुम्हें बताया एक्स वाई मान के करना है, तो ये हो गया वो। और दूसरा हमें इसको कैसे करना है शॉर्ट में, दो बातें बताता हूं इसमें, या तो पूछते हैं कई बार बड़ी संख्या और कई बार पूछते हैं छोटी संख्या, दोनों खेल संख्या का है ना। हमें अगर संख्या पता लगी तो गुना भी कर सकते हैं, जब गुना करना होना तो क्या कर देना एक्स प्लस वाई अपॉन में 2, और जब छोटी संख्या निकालनी होना तो कर देना x माइनस वाई अपॉन में 2। अब देखो यहां पे क्या करोगे, 75 प्लस में 25 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यहां पे क्या करोगे 75 माइनस में 25 और अपॉन में क्या करोगे 2। अब 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 अपॉन में 2 कितना बचेगा 50। हमने बड़ी संख्या निकाली थी कितना आया था, अब इसमें 75 माइनस 25 क्या बचेगा 50 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, ये छोटी संख्या आ गई कितनी 25। दोनों संख्याओं का पता लग गया बड़ी और छोटी का, दोनों की गुना कर दो क्या आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, कोई कहीं पे भी किसी को अगर डाउट आता है तो उसी टाइम पे पूछ लेना है कि सर यहां पे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन बता दो हमें, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, बच्चे ने देखा नहीं आएगा, छोड़ के आगे निकल जाएगा। इसका ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा, तुम देखते इसको 10 सेकंड में सोल्व कर दोगे। अब कैसे करना है वो देखना है, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें मैथ सीखना है तो क्या सीखना है, सबसे पहले पहाड़े टेबल, 2 से लेके मिनिमम 25 तक टेबल सीख लो, क्लियर हो जाएगा मैथ, ठीक है। अब आधे बच्चे उनको ये पता नहीं लगता है, ये काट कहां से रहे हैं, गुना कहां से कर रहे हैं, जोड़ कहां से कर रहे हैं, उनको पता नहीं लगता है। वो क्यों नहीं पता लगता है, क्योंकि उनको पहाड़े नहीं आते हैं, टेबल नहीं आती है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करना है, ये दे रखा है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 42 और ये 90 तक। अब नॉर्मली हमें अगर ये क्वेश्चन करना होना तो हम क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम लेते हैं, यहां पर एलसीएम लेंगे ना, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, या ऐसे करेंगे, तो मतलब पहले तो हमारा टाइम वेस्ट एलसीएम लेने में ही हो जाएगा ना, एलसीएम लेने में। अब देखो इसको कैसे करना है, ये तुमने देखा ये 1/20 है, तो क्या 20 को 4×5 लिख सकते हैं, 4×5 लिख सकते हैं ना, 4×5 क्या होता है 5×6 क्या होता है, और 6×7 क्या होता है, और 7×8 क्या होता है, और 8×9 क्या होता है, और 9×10 क्या होता है 90। क्लियर है इतनी कहानी, ये पहले तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं जिसमें टाइम ले रहे हैं, जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो फिर तुम इसको चुटकियों में उड़ा दोगे। पहले समझ लेना अच्छे से, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक क्लास स्टार्ट की है, सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अब देखिए ये 1/20 था, इसको हमने लिख दिया 1/4×1/5। अब देखिए ये क्या, इसको 1/4
-1/5 लिख दें तो क्या यही सेम कहानी बनती है क्या? ये बताओ मेरे को, ये क्या 1/20 को पहले मैंने बोला 4/5 लिख दो और 1/4 -1/5 लिख दें तो क्या ये सेम कहानी बनती है क्या? बनती है। अब देखो कैसे बनती है, 1/4 और माइनस में 1/5 हो गया, ठीक है, 1/4 और माइनस में क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 1 की गुना क्या होगी 5, माइनस 4 और 1 की गुना क्या होगी 4, और 4 और 5 की गुना कितनी हो जाएगी 20, 5 में से 4 गया 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, और यही बात बोल रहा था ना मैं, ऐसे हो जाएगा, लिख सकते हैं ना 1/20। क्लियर है ये कहानी? अब देखो ये क्यों लिखवाया है मैंने तुम्हें, इससे बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन अपना, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1/4 -1/5 लिख दो और उसके बाद में क्या करो इसको लिख दो प्लस 1/5 -1/6। सेम लिख सकते हो ये कहानी, इसको भी ये लिख सकते हो 1/6 -1/7 और 1/7 -1/8 और प्लस 1/8 और -1/9 और प्लस 1/9 और -1/10। ये सारे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये समझाने में टाइम लग रहा है, फिर बताऊंगा इसको और भी शॉर्ट में कैसे करेंगे। अब यहां पे देखिए ये -1/5 है और ये +1/5 है, ये क्या हो गया, ये -1/6 ये +1/6 ये -1/7 ये +1/7 ये -1/8 ये +1/8 और ये -1/9 और ये +1/9 सारे कैंसल, इधर क्या बच गया 1/4, उधर क्या बच गया माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो 10 और 1 की गुना 10 माइनस 4 और 1 की गुना 4, 4 और 10 की गुना 10 में से 4 गया 6 और अपॉन में क्या होगा 2 से काट दो 3 और 2 से काट दो कितना हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 3/20 3 अपॉन में 20 आ गया ना, समझ में आया कि नहीं यार? इससे भी शॉर्ट में बताऊं अभी, इससे शॉर्ट में बताएं। अब देखो इससे भी शॉर्ट में कैसे करना है, इससे भी शॉर्ट में करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसको ये तुमने देख लिया भाई पहला जोड़ा क्या बन गया 1/4, क्लियर होगी ना ये बात, आगे वाले सारे नंबर कट गए और लास्ट वाले का क्या बना था 1/10, बीच में सिंबल किसका रहा था, ये बीच वाली इतनी कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है, ये बीच वाली इतनी कहानी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट इधर से देखा कि इधर का जोड़ा बन गया 1/4 और 1/5 का और इधर का बन गया 9 और 10 का, तो ये बीच वाले सब नंबर क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे, ये सारे नंबर कैंसल हो जाएंगे ना, बचेगा क्या पहला नंबर 1/4 और लास्ट वाला नंबर 1/10 और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/20 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? Yes, समझ में आया कि नहीं यार? Yes, कोई डाउट है किसी को? Nice. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। अब ये आ गया जैसे एग्जाम में क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो क्या करेगा 578 की और किसकी गुना करेगा 63 की, उसके बाद में किसका निशान लगाएगा प्लस का, फिर गुना करेगा 578 और किसकी 37 की, ऐसे गुना करेगा ना। अब हमें ऐसे नहीं करना है, अब यहां पे देखिए ये 578 दिख रहा है और यहां पे भी दिख रहा है 578, तो तुम्हें क्या करना है 578 को क्या कर लेना है कॉमन ले लेना है। कॉमन का मतलब पता है क्या होता है, दोनों जगह पे ये नंबर था हमने इसको बाहर निकाल दिया, अब यहां पे क्या बच गया बीच में किसका निशान है और यहां पे क्या बच गया 37 बच गया। अब देखो ये क्या 578, ये ब्रैकेट होता है, इसका मतलब क्या होता है 7 और 3 को जोड़ो कितना होगा 6, 3, 9 और 1 को जोड़ो कितना होगा 578 और गुना करनी है किसकी 100 की, तो कितनी जीरो लगा दोगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57,800, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो पहले वाले में क्या था प्लस का निशान, अब यहां पे किसका निशान है, कॉमन क्या लेंगे 694, क्या बचेगा 489, क्या रखेंगे माइनस, क्या आ जाएगा 389, ठीक है। अब क्या करना है 694 को गुना करोगे तो कितना बचेगा 100, 694 गुना में 100 क्या हो जाएगा 69,400, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69,400 हो जाएगा।
समझ में आया? इजी है ना? पहले क्या करते? गुना करते, फिर माइनस करते, वो नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में क्या पूछेंगे, पहली 50, पहली 100, पहली 20, पहली 300, 250, 500, कुछ भी डाल देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये बोल रहा है पहली 50। अब देखिए, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हें बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बताया था ना? वो इसलिए बताया था, अब अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर होते क्या है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे ना। अब हमें पता है भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, ये कंटिन्यू जाएंगे, और ये कहां तक बताने हैं, इसका जोड़ बताना है, ठीक है। अब देखिए मैं तुम्हें पहले बताता हूं, ये चार नंबर लिखे हैं ना मैंने, मैं इन चार का ही जोड़ करके बताता हूं, ठीक है। चार का जोड़ कैसे करेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया, हमने ये चार नंबर थे तो चारों नंबर को जोड़ दिया और ये कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन अगर यहां पे आ गए 50 नंबर तो ऐसे जोड़ने में टाइम लगेगा, अगर यहां पे आ जाए 100 नंबर तो ऐसे जोड़ने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, ये सामने दिख रहा है पहला नंबर क्या है और लास्ट वाला नंबर क्या है, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 5, और ये टोटल नंबर कितने हैं, 4। ये टोटल कितने नंबर है, 4। इनको किससे डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से काट दो 1 और 2 से काट दो 2, 5 और 2 की गुना कितनी होती है, तो ये आ जाएगा शॉर्ट से आंसर 10। क्लियर है ये बात? अब देखो अपना क्वेश्चन कहां से स्टार्ट था, 1 से, और कहां तक करना है, तो 50 को और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 51। ये टोटल नंबर कितने हैं, 50, किससे डिवाइड करोगे, काट दो, किस पे काट दोगे, 25 पे। अब हमें किसकी गुना करनी है, 51 की और 25 की गुना करनी है, ठीक है। गुना करो ऐसे, 5 और 1 की गुना, 5, 5, 5, 25 और 2, 1 कम 2, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, कैरी कितना होगा, 2, 5 दुनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये भी गुना करनी है, फास्ट कैलकुलेशन करनी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1275 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से मेरे को 100 तक का करके बता दो, पहली 100 संख्या का करके बताओ जल्दी से, ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करके बताओ कि पहली 100 संख्याओं का योग क्या होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 100 संख्याओं का, बताओ जल्दी बताओ, 5000 और 50 50, 50 50 और 5050, गुड, शाबाश। देख लो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, एग्जाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट ये, 1, 2, 3 और कहां तक का बताना है, 100 तक का। तो आपको क्या करना है, पहला नंबर क्या है, 1, लास्ट वाला नंबर क्या है, 100, दोनों का जोड़ कर दो कितना हो जाएगा, 101। ये टोटल नंबर कितने हैं, 100, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, काट दो, किस पे कटेगा, 50 की और 1 की गुना कितनी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 100 तक का पूछे तो कैसे करना है और 50 तक का पूछे तो कैसे करना है। क्लियर है? अब देखिए फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 76 और रिमाइंडर 13 आता है, तो भाजक क्या है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इसमें, हेलो, अरे क्लास करवा रहा हूं यार, कब अरे क्लास चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है क्लास की, हाँ अरे क्लास चालू है, नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 76 और शेष कितना आता है, 13 आता है, तो हमें बताना है कि भाजक क्या है, ठीक है, यह क्वेश्चन करना है। अब देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए यहां पे, 12401 ये नंबर, भागफल का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 76, और रिमाइंडर का मतलब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, हमें यह बताना है यहां पे क्या आएगा। क्लियर है? अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो तुम्हें क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है, रिवर्स का मतलब इसका उल्टा कर देना है, इसने भागफल कितना बताया है, 76, तो आप क्या करो यहां पे इसको 76 से ही डिवाइड कर दो, सबसे पहले किस पे जाएगा,
एक पे कितना आ जाएगा 76, 14 में 6 का क्या बचेगा 8, और 11 में से 7 गया क्या बचेगा 4, यही बचेगा ना। आगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, 3 6 7 42 और 3 45, ठीक है। तो यहां पे कितना बच जाएगा 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, आगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, कैरी 1 3 7 21 और 1 22, ठीक है। 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, 5 में 3 में से 2 गया 1 कितना बच गया, और ये क्या बता रहा था रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, तो वो संख्या अपने को क्या मिल गई 163। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, जो हमें यहां पे नंबर दिया तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसी को उठा के और इधर इससे डिवाइड कर देना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले ये बता देता हूं, अभी ये जो आप क्लासेस देख रहे हो ये शुभमी क्लासेस पे देख रहे हो, इसके जस्ट बाद में 6 बजे हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी फ्यूचर सोल्जर्स पे, ठीक है। इस पे हर रोज आपको 6 बजे लाइव क्लास मिलती है और वो क्लास रहेगी आपकी मिक्स क्वेश्चन की। तो जो भी बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल पे पहुंच जाए जल्दी से, और ये 6 बजे लाइव क्लास मिक्स क्वेश्चन की स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपके मैथ्स और प्लस में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन का हर रोज एक टेस्ट लगता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए भाई, ये नया क्वेश्चन है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। पहली 20 सम संख्याओं का योग बताना है। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है। तो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, ये होती है ना। अब यहां पे इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो किस बात पे होते हैं। अब ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये प्रथम 20, पहली 20 संख्या, इसका मतलब क्या समझते हो आप, ये 20 संख्याएं कहां तक है, ये 20 संख्याएं कहां तक है, ये 20 संख्या भाई 40 तक है, ये कहां तक है, ये समझ में आई बात। अगर बोलता है यहां पे 20 तक की सम संख्या होगा, अगर बोलता है 20 तक की सम संख्याओं का, तो हमें क्या करना है, फिर हमारे हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 कंटिन्यू गए कहां तक हो जाएंगे 20। ये टिल 20 अगर बोलता है तो ये कहानी हो जाएगी, और अगर बोलता है पहली 20, पहली 25, पहली 50, तो तुम्हें देखना है वो क्वेश्चन कहां तक जाता है, क्लियर है ये कहानी। तो अब हमारी 20 संख्याएं कहां तक जाएंगी, 40 तक। हमें बताना है पहला नंबर और आखिरी नंबर दोनों का जोड़ कितना हो गया 42, ये संख्याएं कितनी है 20, और इसको किससे डिवाइड करते हैं, सेम तरीका बता रहा हूं सभी क्वेश्चन के लिए, कैंसिल कर दो इसको एक पे, और ये किस पे हो जाएगा 10 पे, 42 और 10 की गुना क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 420। तो पहली 20 सम संख्याओं का योग करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए 20 संख्याएं कहां तक होती है, 40 तक। अगर बोलता पहली 25 सम संख्याएं तो कहां तक होती, 50 तक, फिर कहां तक होती, 50 तक, क्लियर, ध्यान रखना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये बोल रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बता रहा है, ये बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग, पहला क्वेश्चन जैसा था, योग कितना हो जाएगा 80, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 20, क्लियर है। इतना हमें बताना क्या है, इनके वर्गों का अंतर, वर्ग का अंतर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बताना है हमें, ये इतनी कहानी, क्लियर है सबको। अब तुमने मैथ के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है ना, तो एक फार्मूला सुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस, सुना है कि नहीं सुना है, सुना है ना, ये क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस। अब यहां पे देखिए एक्स प्लस वाई अपने को कितना दे रखा है 80, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है 20, तो 80 और 20 की गुना कितनी हो जाएगी 1600, और 1600 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमसे पूछा क्या था
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो फिर जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो? ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, ये क्या बोल रहा है? प्रथम 100 विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये कंटिन्यू जाएंगी, कहां तक जाएंगी? ये 100 संख्याएं बताओ कहां तक जाएंगी? अरे भाई अभी बताया था सम संख्याओं का, ये कौन सी है? विषम। तो प्रथम 100 कहां तक जाएंगी? ये 199 तक। क्लियर है ये बात? क्लियर है क्या? अब देखो पहली संख्या क्या, एक, लास्ट नंबर क्या, 199, दोनों का जोड़ कितना होगा? गुना में क्या करेंगे? 100 कहां से किया, कितनी संख्या है? 100 किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। किस पे कट जाएगा? 100 पे। 100 और 100 की गुना कितनी होती है? 10,000। 100 और 100 की गुना कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? सारे क्वेश्चन एक तरीके से बताए हैं। सब क्वेश्चन में कैसे लगेगा ये फार्मूला? जब कभी भी संख्याओं के बीच में अंतर बराबर दे रखा है तो उस टाइम पे तुम्हें क्या तरीका लगा देना, पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ करके गुना में जितनी संख्या है वो लिख देना और उनको किससे डिवाइड कर देना? 2 से डिवाइड कर देना, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 2 संख्याओं का योग 37 है। 2 संख्याओं का योग का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई कितना है? 37। उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 185। हमें क्या बताना है? एक्स माइनस वाई बताना है। क्या बताना है? एक्स माइनस वाई बताना है। क्लियर है ये बात? अब देखो वही सेम तरीका, पहले वाले क्वेश्चन का तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर था? एक्स प्लस वाई, और किसके बराबर था? एक्स माइनस वाई के बराबर था। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसने कितना बताया? 185। एक्स प्लस वाई कितना बताया? और गुना में एक्स माइनस क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब अगर एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये 37 इधर गुना में इसके किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अब हमें क्या करना है, 185 को किससे डिवाइड करना है? 37 से। किस पे जाएगा? 5 पे। 5 सते 35, 5 3 15 और 3 18। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, वो संख्या क्या है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलिए। यदि किसी संख्या में, संख्या क्या है नहीं पता हमें, हमने संख्या को क्या मान लिया? एक्स। ये क्या बोल रहा, उसमें क्या जोड़ा जाए? 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी की, अपनी तिगुनी का मतलब क्या हो जाएगा? 3x क्या हो जाता है? 7 कम हो जाता है। क्लियर है ये कहानी? इतनी क्लियर है सबको? अब देखो यहां पे x, ये 3x इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर के निशान से जब कभी भी किसी संख्या को लेफ्ट या राइट लेके जाते हैं तो उनके निशान चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? अब ये किसका था? प्लस, तो इधर आके किसका हो गया? माइनस। ये उधर ही सेम जगह पे रहेगा तो क्या रहेगा? -7। अब ये इधर प्लस का 21, उधर जाके किसका हो जाएगा? -21। एक्स माइनस 3x क्या बचेगा? -2x। और ये क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। 2x बराबर में क्या बचेगा? 28। 2 से काटेंगे किस पे कट जाएगा? 14 पे। x बराबर क्या आ गया? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो भी ध्यान से देख लेना है, ठीक है? अब देखिए ये बताया था तुम्हें अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, आ गया ना क्वेश्चन सामने। अब ये बोल रहा है 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग क्या होगा? अब देखो सबसे पहली 60 के बाद में 61, उसके बाद में क्या हो गया अभाज्य संख्या? क्या हो जाएगी? 67। उसके बाद में क्या हो जाएगी? 71। उसके बाद में क्या हो जाएगी? 73। उसके बाद में क्या हो जाएगी? अब उसके बाद में क्या हो जाएगी?
80 से आगे निकल जाएगी। हमें किसके बीच में बताना है? 60 और 80 के बीच में जोड़ दो, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 कितना होगा? 21। कैरी कितना हो जाएगा? 2, 7, 14 और 21 और 6 27, 6 33 और 2 कितना हो जाएगा? 35। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 351। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? पीछे क्वेश्चन में फार्मूला बताया था, बड़ी संख्या के लिए क्या फार्मूला बताया था? बड़ी संख्या के लिए फार्मूला क्या बताया था? यस, x प्लस वाई अपॉन में 2। x कितना हो जाएगा? 46 प्लस में क्या हो जाएगा और अपॉन में क्या होगा? 46 प्लस में 14 क्या हो जाएगा? 60। 60 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। क्लियर है? अगर छोटी संख्या पूछे तो 46 माइनस 30 कितना बच जाएगा? 16 बच जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए भी दोनों तरीके बताता हूं। चार लगातार विषम संख्या, पहली संख्या क्या मान ली? x। इससे अगली क्या हो जाएगी? x प्लस 2। इससे अगली क्या होगी? x प्लस 4। और इससे अगली क्या होगी? कितनी संख्या बोल रहा था? चार। सबका जोड़ कितना बोल रहा है? 328। सबका जोड़ कितना बोल रहा है? अब इनको जोड़ो, 1, 2, 3 और 4, ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2 और 4, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। बराबर में क्या है? 328। अब क्या करना है? 4x बराबर में 328, ये इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4x बराबर, 8 में से 2 गया क्या बचेगा? 2 में से 1 गया क्या बचेगा? और यहां पे क्या लिखेंगे? काट दो, 4 से 1, 4 सात 28 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3। 4 निम कितना हो जाएगा? 36। x बराबर क्या आ गया? 79। x हमने क्या मानी थी? पहली संख्या। और हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या थी? x प्लस में 6। तो x का मान कितना आ गया? 79। और 79 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 85। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 85 हो जाएगी। समझ में आया? एक तरीका तो इसको करने का ये, ठीक है, ये जो सब्जेक्टिव मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसका तरीका ये। शॉर्ट में इसको कैसे करना है? सबका जोड़ कितना है? 328। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 4 से गुना कर दो, 4 8 32 और 4 दुनी क्या हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 82। अब ये बताया क्या था और ये क्या है? समझ रहे हो ना? इवन नंबर और ऑड नंबर गलत हो गया, गलत हो गया ना? नहीं हुआ गलत, कितने जल्दी बोल दिया। हाँ सर, गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है ये, ठीक है। अब देखो, जब हमें ये बोलते हैं पांच संख्या या तीन संख्या, 1, 2 और 3, तो इसमें बीच की संख्या क्या होगी? अगर बोलते 1, 2, 3, 4 और 5 तो बीच की संख्या क्या होगी? बराबर बांट सकते हैं। अगर हमें बोलते हैं 1 और 2 तो इसमें बीच की संख्या क्या होगी? 1.5 होगी। क्या होगी? 1.5। अगर मेरे को चार सम संख्याएं बोलते हैं, चार सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, तो इनके बीच की संख्या क्या होगी? 5। इनके बीच की संख्या क्या होगी? अगर मेरे को यही सेम लैंग्वेज में विषम संख्या का बोलते हैं, जैसे चार विषम संख्या 1, 3, 5, 7, तो इसके बीच की संख्या क्या होगी? 4। बीच की संख्या क्या होगी? तो हमें वो क्या मिली है? बीच की संख्या। अपनी संख्या कितनी है? 4। 1, 2, 3 और 4, ये संख्या है। अब हमें यहां का नंबर मिल गया कितना? 82। तो ये कितनी है? 83। ये कितनी हो जाएगी? 85। विषम है ना, लगातार है, तो इससे पहले वाली क्या होगी? 81। इससे पहले वाली क्या होगी? 79। तो क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 85। तो अपनी 85 ये आ गई है संख्या। क्लियर है? Yes, समझ में आया? Yes, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गणित के एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, यदि उनके कुल अंक 185 है तो अधिकतम अंक कितने हैं? ठीक है, क्लियर है? वही सेम क्वेश्चन लगा देना, पांचों के कुल अंक कितने हैं? 185। किससे डिवाइड कर दो? 5 से। यहां पे करो 185 को किससे? 5 से। 5 3 15 कितना बचेगा? 3।
पांच सात कितना हो जाएगा, ये 37 क्या आया है बीच के, यस ये 37 क्या आया है बीच का नंबर आया है, कितने उम्मीदवार हैं, पांच, 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच वाले को कितने नंबर मिले हैं, 37। कौन सी संख्याएं हैं विषम, कौन सी है विषम, ऑड नंबर है, तो अगला क्या हो जाएगा 39, अगला क्या हो जाएगा 41, इससे पहले वाला क्या होगा 35, इससे पहले वाला क्या होगा। हमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा है अधिकतम अंक, क्या पूछा है, तो अधिकतम अंक क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम लोग इधर पूछ सकते हो, इसके बाद में वीडियो देख सकते हो, देन किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट कर देना है, नेक्स्ट क्लास जो कल करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के तुम्हारे रेडी हैं, तो ये जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम कल करेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बताना है कि एक क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलानी है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज तो वो बता देना है, अदरवाइज वो मिक्स क्लास है वो कंटिन्यू चलाएंगे। कल फिर मिलेंगे अच्छे सेशन के साथ में, ये जो बाकी क्वेश्चन उनके लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।